डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की खसूसी हदायत पर थाना सिटी चूनिया के एसएचओ डॉक्टर रियाज का पतंग फरोशों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन। सैकड़ों पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां पकड़कर पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात देखते हैं चूनिया से हमारे नुमाइंदा इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की खसूसी हदायत पर थाना सिटी चूनिया एसएचओ डॉक्टर रियाज का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद तफसीलात के मुताबिक एसएचओ डॉक्टर रियाज ने खबर की तलाश पर मोहल्ला देवी दरवाजा में जमील नामी शख्स के घर से सैकड़ों पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद करते हुए पतंग फरोश शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ डॉक्टर रियाज ने मरकजी प्रेस क्लब के मानी मोहम्मद अशरफ मोला से बातचीत करते हुए बताया, मुलजम जमील अरसद रात से पतंग फरोशी का काम कर रहा था। तलाश मिलते ही मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ का मजीद कहना है, पतंग फरोशी और पतंगबाजी दोनों ही जानलेवा खेल है, इंसानी जानों से खेलने की हर इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।